साथ अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार दो युवक को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि विद्याधर नगर थाना इलाके में एलिवेटेड रोड की है घटना देर रात हुई। इस घटना में घायल युवकों को SMS पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दुर्घटना में पुरानी बस्ती नारगढ़ रोड निवासी कपिल खटाना उर्फ विक्कू और मोहित शर्मा की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय कपिल खटाना की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। कपिल की शादी 28 अप्रैल को ही जयपुर की एक लड़की से होने वाली थी। जानकारी मिलने पर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर गया। देर रात कपिल सोडाला में रह रहे अपने दोस्त मोहित शर्मा को घर छोड़ने गया था। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों सड़क पर ही गंभीर घायल हो गए। मौके पर बहुत अधिक खून निकलने से दोनों की मौत हो गई। दोनों दोस्तों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार। मोहित और कपिल बचपन से अच्छे दोस्त थे। कपिल घर के पास ही डेयरी संचालन करता था तो मोहित शर्मा बच्चों को कोचिंग दिया करता था। मोहित के पिता की कुछ समय पहले ही देहांत हुआ था, वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। उनकी जगह मोहित का बड़ा भाई सोहित नौकरी पर लग गया है। पुरानी बस्ती में रहने वाले इन दोनों दोस्तों का आज ही चांदपुर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा।